नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का और आप सभी की एमपी पीवीएफटी की एडमिट कार्ड कब आएंगे, एग्ज़ाम कब होगी और कैसे तैयारी करें कि सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपकी एमपी पीवीएफटी की एग्ज़ाम जो है 25 जुलाई को है। कब है? 25 जुलाई को। आपका एडमिट कार्ड आएगा 17 से 18 जुलाई के दिन। ठीक है, 17 से 18 जुलाई के दिन आपके एडमिट कार्ड डाउनलोड होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो एडमिट कार्ड कब आएगा? 17 या 18 जुलाई के बाद। 17 जुलाई के बाद कभी भी आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। ठीक है, अब तैयारी कैसे करें, कितने दिन बचे हैं? 12 तारीख हो गई आज। 12 और 10 22 23 24 25 13, मतलब 12 दिन बचे हुए हैं आपके पास अब। तो 12 दिन में कैसे तैयारी करें, तो जो भी नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा और हमसे अगर जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा या मैंने इसके नीचे एक टेलीग्राम की लिंक दी है, उस पर ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, 12 दिन के बाद आपकी आपकी एमपी, अगर कोई एमपी पीएनएसटी वाला होगा तो एमपी पीएनएसटी की नई क्लास भी स्टार्ट हो चुकी है, तो एमपी पीएनएसटी 2024 लिख देना, उनको भी ऐड कर देंगे, और पीवीएफटी वाले पीवीएफटी लिख देना तो उनको भी ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 12 दिन में आपकी मैराथन क्लास चलने वाली है कल से, तो 12 दिन तक आपको अच्छे से तैयारी करनी है। इसके अलावा आपके लिए है ना, तो अब 12 दिन बचे हुए हैं। इसके अलावा आपके लिए एमपी पीवीएफटी 2023 के लिए 3500 क्वेश्चन की पीडीएफ अवेलेबल है, अगर कोई लेकर पढ़ना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ये मेरे जन्मदिन था, इसके ऊपर मैं एक ऑफ़र निकाला था, 99 रुपये में आपको 3500 क्वेश्चन मिल रहे हैं। कितने में? 99 रुपये में आपको 3500 क्वेश्चन मिल रहे हैं। क्या क्या मिलेगा इसमें? इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी, 100-100 नंबर के 15 प्रैक्टिस सेट तो जो हमने यहाँ बना रखे वो मिलेंगे, और ओल्ड पेपर मिलेंगे, और जो भी क्वेश्चन रहेंगे वो टोटल मिलाकर आपको 3500 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो ये मिल रहे हैं आपको 99 में, है ना। तो जिनको लेना है ले सकते हैं, अभी 99 का एक ऑफर चल रहा है, इसमें आपको 3500 क्वेश्चन मिल रहे हैं, और आपके लिए क्लासें भी चल रही हैं, मैराथन क्लास। ठीक है, तो जिनको भी जुड़ना है वो जुड़ सकते हैं। एमपीपी आज पीएटी का एग्ज़ाम था, उसमें आज 90, 83 और 72 नंबर आए। ठीक है, आपकी पीवीएफटी की भी, अब पीवीएफटी पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है बायोलॉजी और जूलॉजी पर, क्यों? क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री किसी से नहीं बनती है ना, इसलिए बायोलॉजी जूलॉजी पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, अब आपके पास 12 दिन बचे हैं, तो अब आपकी मैराथन क्लास रहेगी, 3 घंटे की रोज़ क्लास रहेगी 12 दिन तक। तो जिनको पढ़ना है फ्री क्लास में वो व्हाट्सअप कर देना और ऐड हो जाना, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना जिससे आपका आपको फ़ायदा मिलता रहे। हम शुरुआत करते हैं, 2-5 क्वेश्चन करते हैं हम। चलिए हम कर लेते हैं जूलॉजी के कुछ क्वेश्चन, ठीक है, बॉटनी के कुछ क्वेश्चन कर लेंगे। गुणसूत्र शब्द का प्रतिपादन किसने किया? गुणसूत्र शब्द का प्रतिपादन किसने किया, चलिए बताइए। ये अभी 2021 का पेपर है पीवीएफटी का। गुणसूत्र शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? तो गुणसूत्र का प्रतिपादन जो किया था विलहेलम वान वाल्डवेयर ने किया था। विलहेलम वान वाल्डवेयर ने किया। किस चरण में गुणसूत्र कोशिका विभाजन में सबसे मोटी,